हिंदी के पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है वो आज आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि कहा जाता है कि ये वायरल प्रश्न है और इसी में से आपको जो है पूछे जाएंगे सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है यानी अच्छे तरीके से देखना है एकदम ध्यान मग्न होकर के देखना है जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पूरी तरीके से उसको स्क्रीन कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि ये जो है परीक्षा में पूछे जाना वायरल पूछे जाने वाले वायरल प्रश्न है और ये काफी वी वी

का सही हुआ ठीक है और टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम में अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो आप लोगों को जो है मतलब यानी जैसे वायरल क्वेश्चन हो जाएगा या फिर क्वेश्चन आउट होता है तो उसका फायदा नहीं ले पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है का लिंक जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वे सबसे पहला प्रश्न देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या रहा है कह रहा है कि यानी परगीत और समाज के निबंध के निबंध किस संघर्ष से लिया गया है तो यहां पर आइटेंस क्या होगा एक नंबर का डी नंबर होगा यानी वाद विवाद संवाद से लिया गया है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इस तरीके के प्रश्न आप लोग को हंड्रेड परसेंट पढ़ना चाहिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और अगर बहुत सारे बच्चे अगर बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूं तो आप लोग रिविजन कर लीजिएगा आदमी शब्द है तो दूसरा नंबर का आइटेंस है क्या होगा फारसी यानी आदमी जो है फारसी भाषा का लैंग्वेज है ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं तो यहां पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर हो, क्या होगा सी नंबर सी नंबर का तीन राइट आंसर हो जाएगा राइट चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोल रहा है कि मैं देखता हूं वाक्य है तो मैं देखता हूं वाक्य कौन सा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा नहीं चार नंबर ए नंबर ए नंबर क्या होगा सरल वाक्य है ठीक है और इस चैनल पे लाइव क्लास पढ़ने के लिए जो कि आपके एग्जाम से पहले पहले कुछ क्वेश्चन आउट होती है अगर आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली लाइव क्लास जो है यानी सात बजे आता हूँ देखिए इस, इस सारे सात बजे आता हूँ तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ठीक है आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है त्रिच किस प्रकार की रचना है तो यहाँ पर फाइव नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो नंबर ए नंबर क्या होगा यानी आधुनिक त्रासदी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, है? करेगी कहीं नहीं वही कविता संग्रह यानी किसके द्वारा रचित है तो यहां पर फटाफट से आप लोगों को बताने का राइट आंसर क्या होगा तो यानी बी निम्मर। बी नंबर नंबर अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोल रहा है ज्ञानेन्द्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे तो सेवन नंबर का कैरेक्ट आंसर क्या होगा तो सी नंबर सी नंबर का अधीक्षक राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है तो आठ नंबर का राइट आंसर श्री नंबर कभी नहीं दिखाई देने वाला ठीक है मतलब कहीं नहीं दिखाई देना यही होता है ठीक है कभी भी दिखाई ना देना ठीक है जी आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि हेनरी है लोपेज का जन्म कब हुआ था तो नाइन नंबर का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर डी नंबर क्या होगा उन्नीस करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है तो भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा होगा तो टेन नंबर का पर करेक्ट आंसर होगा यानी

चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बारह नंबर कह रहा है कि चमक शब्द है तो चमक शब्द क्या है तो बारह का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर स्त्रीलिंग है चमक क्या है तो स्त्रीलिंग है ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है तेरह नंबर कह रहा है कि महान रूसी कथाकार कौन थे तो महान रूसी कथाकार तो जो कथाकार जो थे वो कौन थे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा श्री नंबर श्री नंबर क्या होगा यानी यानी क्या होगा कथाकार लेब तोल्स टोय नाम था ठीक है क्या नाम था लेब तोल स्टोय ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कह रहा है कि उन्नीस सौ अठारह से नब्बे के बीच मपासा ने मपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी तो फोर्टीन का करेक्ट आंसर क्या श्री नंबर श्री नंबर तीन सौ करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ये सारे प्रश्न में इसलिए आप लोगों के सामने में लेकर आया हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहे हैं कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिट्टी वाक्य Uh, कि, किस वाक्य का उदाहरण है तो फिफ्टीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर यानी संयुक्त वाक्य है ठीक तो है, है? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि यानी शुद्ध शब्द क्या है यानी शुद्ध श... वाक्य क्या है शुद्ध वाक्य क्या होगा तो सोलह नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा जल्दी से आप लोग बोलिएगा डी नंबर डी नंबर क्या होगा यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा ओके चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि

क्या होगा तो बीस नंबर का राइट आंसर क्या होगा तो ए नंबर नहीं पौराणिक करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यह नया माल है इस वाक्य में नया शब्द क्या तो इक्कीस नंबर का आंसर क्या होगा श्री नंबर हो विशेषण राइट आंसर हो जाएगा ठीक है

नहीं, सही संधि विजय क्या है तो यशोदा शब्द का सही संधि विजय यहाँ पर क्या हो जाएगा तो चौबीस का राइट आंसर आंसर और दा करेक्ट हो जाएगा ठीक है जी हाँ बिल्कुल अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल जाएगा रामपुरवा कहां है तो रामपुरवा कहां है तो यहां पर पच्चीस नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं जी बिल्कुल पच्चीस का ए नंबर होगा नहीं क्या रामपुरवा जो है भीति हरवा के पास है ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है तो परलोक शब्द में क्या उपसर्ग है तो यहाँ पर छब्बीस का राइट आंसर क्या ए ए नंबर नंबर होगा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि यानी सब परिवार शब्द में उपसर्ग है तो सब परिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने ए नंबर स करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है अट्ठाईस नंबर कह रहा है कि मुन्नी कौन थी तो मुन्नी कौन थी तो यहाँ पर नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर डी नंबर में क्या हो जाएगा यानी बिस्नी की बेटी थी ठीक है जी अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी तो उनतीस नंबर का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर ए नंबर क्या होने मलिक यानी लगभग पंद्रह सौ अड़तालीस करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट चलिए बहुत बढ़िया अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला करेंगे ईमानदार शब्द का विलोम होगा तो ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा तो तीस नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी बेईमान राइट आंसर हो जाएगा राइट चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि रात का विलोम है तो रात का विलोम क्या होगा तो एक यानी इकतालीस क्या होगा इसका जल्दी से बोलेगा तो जी रात का विलोम जो होगा यानी इकतीस का बी नंबर यानी दिन ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा फटाफट से आप लोग देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो शायित भाषाओं को अपनाया तो 32 नंबर का राइट आंसर है श्री नंबर श्री नंबर का यानी यानी अवधि और बज करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब जो खाने योग्य हो तो उसको क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा श्री नंबर खाद्य कहा जाता है ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है

काव्य किसके द्वारा लिखा गया है तो यहां पर छत्तीस का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को फटाफट से बोलने हैं तो बी नंबर बी नंबर में क्या हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएगा ठीक है जी अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोला जा रहा है चंद्रशेखर शब्द का यानी चंद्रशेखर शब्द समास है तो कौन सा समास है तो सैंतीस नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा तो ए नंबर ए नंबर में क्या होगा यानी बहुबीरी समास हो जाएगा राइट चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि रसोई घर शब्द में कौन समास है तो रसोई घर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा तो यहाँ पर अड़तीस नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर ए में क्या होगा यानी तत्पुरुष समास है ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि कवियों के कवि कहा जाता है तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है तो उनचालीस नंबर का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर डी नंबर में क्या होगा यानी शशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहे कि अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ है तो अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो यहां पर चालीस नंबर का आप लोगों को जवाब देना तो चालीस का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बोलेगा एकदम फटाफट से डी नंबर क्या का? खुशामद करना करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला यानी

नहीं निकाल गए ठीक है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट से देखिएगा कह रहा है कि देवता का सं यानी पर्यावाची है तो देवता का पर्यावाची क्या होता है तो इसका करेक्ट आंसर है चौवालीस नंबर का तो चौवालीस इसका ए नंबर देव करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट बहुत बढ़िया चलिए अब देखेंगे रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है तो पैंतालीस राइट आंसर लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट अब देखेंगे अगला क्वेश्चन मलियज की रचना नहीं है तो मलियज की कौन सी रचना नहीं है तो छियालीस का करेक्ट आंसर क्या ए एनमी न आने वाला कल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन ज्ञात का विलोम है तो का राइट आंसर क्या बी बीमार अज्ञात करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि भारत का विशेषण है तो भारत का विशेषण क्या होगा तो इसका राइट आंसर बीनमणी भारतीय करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा कह रहे है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है तो यहां पर उन का करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीनमणि जयप्रकाश नारायण राइट हो जाएगा ठीक है जी अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था तो फटाफट से आप लोग जन्म जो हुआ था कब हुआ था तो 50 का राइट आंसर डी डी नंबर का आंसर यानी राइट हो जाएगा ठीक है अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहा मतलब जन्म जो हुआ था कब हुआ था फटाफट से आप लोग बोलने तो इसका करेक्ट आंसर बीन तेईस जून अठारह में हुआ था अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि पल्टन का विदूषक कौन था तो पलटन का विदूषक कौन था तो यहां पर बावन नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने श्री नंबर श्री नंबर में क्या होगा यानी वजीरा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है माटी की मूर्ति किसकी रचना है तो यहाँ पर तिरपन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है तो चौवन का राइट आंसर क्या ए निमर? ए नंबर नंबर क्या क्यों शुद्ध कवि की खोज करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जी अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है अग्ञे के पिता का नाम था तो क्या नाम था तो पचपन का राइट आंसर क्या क्या बी नंबर नहीं होगा क्योंकि हिरानंद शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जी अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि प्रथम यानी विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था तो यहाँ पर छप्पन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इंग्लैंड जो लड़ा था वह किसके विरुद्ध लड़ा था तो डी जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है चंपारण में धागर कहां से आए थे तो कहां से आए थे संतावन का राइट आंसर छोटा नागपुर से आए थे देखिए इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सारे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं अब देखिए सिपाही की मां किस एकांकी से लिया गया है तो अंठावन का राइट आंसर डीन अंडे के छिलके एवं अन्य अन्य एकांकी से ली गई है अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा करेगी निम्नलिखित में से कौन पढ़ले की छाया के कवि है तो उन का करेक्ट आंसर क्या श्री नंबर श्री नंबर क्या बाद जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है करेगी सलाम कहानी आ, के संग्रह के कहानी कार कौन है तो साठ नंबर का राइट आंसर क्या वो बीनवी ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जी अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहेगी कौन सी रचना मलियज की नहीं है तो एक सठ का कैरेक्टर क्या हो डी क्या होगा सुनो राधी के ठीक है जी अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए टाइम कम जो है मतलब लेने के लिए आप लोग को फटाफट पढ़ा पड़ रहा हूं कोई बात नहीं आप लोग भी फटाफट कीजिएगा आप देखिए यहां पर पंडित राम यानी अवतार क्या थे पंडित राम अवतार किसके थे तो क्या होगा ज्योतिषी और वैद्य के अवतार थे ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के जन्म कब हुआ था मतलब का जन्म कब हुआ था तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा तो तिरसठ का राइट आंसर ए नंबर नहीं बारह मई अठारह में हुआ था अब देखिए अगला क्वेश्चन पदमावत के रचनाकार है तो कौन है तो यहाँ पर चौंसठ नंबर का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर नहीं जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहे है कि सूरदास के यानी गुरु का क्या नाम था तो यहाँ पर पैंसठ का राइट आंसर क्या होगा तो श्री नंबर श्री नंबर क्या होगा यानी बल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन तुलसीदास का मूल नाम क्या था तो तुलसीदास के मूल नाम क्या था तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने है बी निंगर, बी नंबर नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भक्त माल के रचयता कौन है तो यहां पर सैंसठ का करेक्ट आंसर डी नाभादास राइट आंसर हो तो जाएगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन ठीक है यहां पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भूषण के पिता का नाम था तो क्या नाम था तो अड़सठ नंबर का आंसर ए नंबर होगा यानी क्या होगा रत्नाकार त्रिपाठी करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद के किस वाद के कवि थे तो जयशंकर प्रसाद जो किस वाद के कवि थे तो एक राइट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी छायावाद के कवि थे ठीक है अब देखिए बिक्रे मोती फटाफट से बोलेगा ये फटाफट यहां पर जवाब दीजिएगा बिक्रे मोती क्या तो सत्तर नंबर राइट आंसर डी नंबर कहानी संग्रह है ठीक है जी अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोल रहे आप लोग इकहत्तर नंबर का तो इकहत्तर का बी नंबर नहीं क्या होगा नहीं धर्म देवी क्या नाम था धर्म देवी नाम था अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि मुक्ति बोध के माता का सॉरी माँ का नाम वही माता का नाम ही बात बराबर है तो राइट आंसर क्या होगा क्या पार्वती हाँ, पार्वती बाई नाम था मुक्ति बोध के माता का नाम ठीक है जी आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आशीर्वाद का यानी संधि विजय क्या होता है तो आशीर्वाद का जो संधि विजय हो जाएगा तो इसका तेहत्तर नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर बनी आशी वाद करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है नायक की संधि का उदाहरण है तो यहाँ पर राइट आंसर चौहत्तर नंबर का तो यानी चौहत्तर का डी नंबर क्या होगा आयादि संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है तो पर राइट आंसर क्या पचहत्तर का का राइट आंसर क्या होगा ए नंबर नहीं होगा वृद्धि संधि का उदाहरण है ठीक है ये भी संधि में है और उसके बाद आपको संधि विजित करने के लिए उसके बाद आपको समास ये दो तीन का क्वेश्चन दो तीन नंबर का पोस्टता है ठीक है अभी अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है संतमती मत, संत

अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कह रहे है कि गजानंद गजानंद शब्द किस समाज का उदाहरण है तो अठहत्तर का राइट आंसर बहुबरी समास का ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन चक्र सॉरी क्या है चरण कमल में प्रयुक्त समास है तो कौन सा होगा तो ना से राइट आंसर बी नंबर कर्मधारे समास हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन घुड़सवार में समास है तो में कौन सा समास होगा तो राइट आंसर शीरमनी तत्पुरुष समास हो जाएगा यानी घोड़ा का सवार करने वाला ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह है कि अतिशय में है तो अतिशय विलोम क्या होगा तो एकासी का राइट आंसर ए नंबर कम कम करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट चलिए अतिशय का कम हो जाएगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी आकर्षण का विलोम है तो आकर्षण का विलोम क्या होता है तो इसका राइट आंसर आंसर विकर्षण करेक्ट हो जाएगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन पूर्ण का विलोम तो पूर्ण का, का विलोम क्या होता है तो तेरासी नंबर का राइट आंसर ए नंबर का अर्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है पूर्ण का अर्ध अब यहां देखिए अनाथ का विलोम क्या होगा तो अनाथ का चौरासी नंबर का राइट आंसर बीरमणी सारनाथ सॉरी सनाथ हो जाएगा अनाथ का सनाथ हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि रहे धुंधला में कौन सा परतय है तो पचास नंबर का राइट आंसर आंसर क्या होगा ए नंबर यानी ला करेक्ट हो जाएगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह कि निम्नलिखित निम्नलिखित पद एक परतय लगाने लगाने से बने हैं इनमें से कौन सा पद गलत है तो पद कौन सा गलत है तो छियासी नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं तो डी नंबर पाक्षिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जी अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी इसको सही करने के लिए बोला है तो पक्ष गलत है बाकी सब सही है देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है तो सतासी नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है निर्वासित में प्रत्यय है तो अठासी का राइट आंसर डी नंबर इत करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि अमृत का पर्यावचीन नहीं है तो अमृत का पर्यावची कौन नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हुआ डीन मर रसाल रसाल जो है पर्यावचन नहीं है बाकी ये सब है अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए नब्बे नंबर करेगी हाथी का पर्यावची नहीं है तो हाथी का कौन नहीं है तो इसका नब्बे हाथी का परवची है अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कह रहा है कि कांट का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो इक्यानबे का करेक्ट आंसर क्या होगा तो सी नंबर मूर्ख राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख बनाना ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है करेगी कूपमंडक होना मुहावरे का अर्थ है तो कूपमंडक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बिरानबे का श्री नंबर श्री नंबर क्या होगा यानी कुएं में गृणा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जी अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलो ज़्यादा कह रहा है कि, कि कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे तो तो का अर्थ होगा क्या होगा तो तिरानबे का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर बी नंबर क्या होगा यानी ठीक ढंग से काम न करना ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि चिड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ है ठीक ठीक है सॉरी तो चिड़िया नहीं चूड़ियाँ है यार मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ सॉरी चूड़िया पहनना मोहरिक तो चौरानवे का राइट आंसर क्या होगा तो शी नंबर नहीं क्यों होगा कायरता दिखाना ठीक है ये तो आप लोग पता होगा चूड़ी बोलते नहीं है कभी कभी मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत दो एक बातचीत हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना चूड़ी पहन के हो गया या फिर बोलता है ना चूड़ियाँ पहन के हमारे क्या हम बैठे रहेंगे देखिए अब देखिए रात्रि का पर्यावर है तो क्या हो जाएगा पंचानबे का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर नहीं विभा विभावरी ठीक है विभावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन इंद्र का पर्यावर तो छानबे करेक्ट का आंसर का शीनमणी मधुआ हो जाएगा इंद्र का मधुआ हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बेमान में कौन सा उपसर्ग है तो यहां पर क्या हुआ? तो सी सी नंबर नंबर क्या बे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो नंबर 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 का राइट आंसर क्या क्या होगा ए ए में होगा उपकार करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि विज्ञान में यानी उपसर्ग कौन सा है तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है तो यहाँ पर निन्यानबे का करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहां पर राइट आंसर सी नंबर सी नंबर क्या वी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए क्योंकि ज्ञान मूल शब्द है अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग मिनी प्रयुक्त है तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताने प्रतिकूल शब्द में कौन सा यानी उपसर्ग प्रयुक्त होगा तो यहाँ पर राइट आंसर एक सौ नंबर का डी नंबर प्रति करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो देखिए आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि गूगल में जाकर के बीबीपी हेल्प लिख सकते हैं वहां पर आप लोग को मिल जाएगा और मैं आप लोग को बता दू कि देखिए टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों को क्या वहां पर मैं फ्री में पी देता हूँ जैसे कि ये क्लास हो गया तो इसका पी मैं वहीं पर आप लोग को शेयर कर देता हूँ यानी टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेलीग्राम ऐप में एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ठीक है टेलीग्राम में आकर के आप लोग यहां पर सर्च बॉक्स में क्या करना है देखिए मैं बताता हूं बीबीपी हेल्प लिखना है ठीक है बीबीपी तो का देखिए यहां पर, तो पर आप लोगों दो सौ चौदह बाईस है आप लोग क्या करना है? क्लिक करना है क्लिक करके देखिए यहां पर आप लोगों ने सारा कुछ जो है लिंक जैसे कब कब क्लास होती है उसका पीडीएफ भी आपको दिया हुआ है जैसे पीडीएफ आप लोग कहा मिलेगा जैसे कि यहां पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे यहां पर क्लिक करेंगे एक मिनट यहाँ तो हां एक मिनट एक मिनट देखिए यहां पर मैं पी कैसे मिलेगा देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए सारा पी जैसे फाइल में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर सारा पी मिल जाएगा देखिए सारा पी डी पर डला हुआ है आप लोग यहाँ से पी को पढ़ सकते हैं ठीक है बहुत सारा पी डी डला हुआ है यहाँ से पढ़ सकते हैं और बाकी जो अभी क्लास होगी तो उसका भी मैं पी डाल दूंगा तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा बी बी हेल्प टेलीग्राम में जाएगा एनी टेलीग्राम ऐप में ठीक है यहाँ पर क्लास का लिंक सब कुछ यहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ आप लोग को ओके चले तो आज का लाइव इतने तक तब मिलेंगे अगले वीडियो में